तो स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ प्रो टू वेदर एम्पायर्स। तो देखते हैं कि कौन सी वो टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको इस गेम पे नॉर्मल प्लेयर से थोड़ा सा बेटर बनाती हैं। तो पहले टिप्स एंड ट्रिक्स जो निकल के आ रही है वो है रैंकिंग। तो रैंकिंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले ये तीन डॉट तीन लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके थर्ड ऑप्शन है रैंकिंग का, इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रैंकिंग के रिवॉर्ड्स होते हैं ताकि सीजन के लास्ट में आप जिस रैंक पे रहते हो, जिस दिन सीजन खत्म होता है एंड डे और लास्ट मोमेंट पे आप जिस रैंक पे रहते हो उस रैंक के रिवॉर्ड्स हैं। लाइक फर्स्ट रैंक पे आपको 3000 जेम्स एंड एक फ्रेम मिलता है लेजेंडरी पोर्ट्रेट, ये फ्रेम होता है आपके प्रोफाइल में चमकता हुआ दिखता है। एंड ऐसी सारी रैंक के रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो। तो ये होता है टॉप 1000 प्लेयर्स के रिवॉर्ड। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि हमें देखने को मिलने वाली है रैंकिंग के बगल में जो राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, आपको फिर से थ्री डॉट में क्लिक करना है थ्री लाइन पे एंड आपको फोर्थ ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है जो कि है बैटल ऑफ ग्लोरी। इसमें टॉप 100 प्लेयर्स के बीच में जो भी मुकाबले होते हैं, जो भी फाइट्स होते हैं वहाँ, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको अगर आप कोई गार्डियन यूज करने वाले हो तो राइट में आपको गार्डियन देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। तो आप अगर गार्डियन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सारे गार्डियंस दिखेंगे। और लाइक आप अगर यहाँ पे एथीना यूज करना चाहते हो, एथीना पे आपको क्लिक करना है और देखना है कि टॉप 100 जो प्लेयर हैं उनमें से कौन कौन एथीना यूज करा है और एथीना की कौन सी बेस्ट डेक है। वहाँ यहाँ से आप देख सकते हो कि विदाउट मिथिक एंड मिथिक के साथ कौन प्लेयर क्या कौन सी डेक यूज करे एथीना के साथ। तो आप यहाँ से इन सभी की डेक कॉपी करके खेल सकते हो। ऐसे आपको दूसरा जैसे कि स्पेंटा की देखना है तो स्पेंटा पे क्लिक करना है और एक बार और एथीना पे क्लिक करना है ताकि एथीना डिसलेक्ट हो जाए। एंड स्पेंटा से अभी कोई भी नहीं खेल रहा है, लाइक देखो अभी कोई भी नहीं दिख रहा है स्पेंटा से टॉप 100 पे। जी हाँ, तो हम स्पेंटा को छोड़ते हैं, यहाँ पे आंग्रा के साथ जाएंगे। तो टॉप 100 में इतने सारे प्लेयर आंग्रा यूज कर रहे हैं जो कि हैं चार प्लेयर और उनकी डेक आप देख सकते हो। तो ये है डेक की इन्फो, आप टॉप 100 प्लेयर्स की डेक देख सकते हो एंड इसको ट्राई कर सकते हो। तो अगली टिप्स एंड ट्रिक्स निकल के आ रही है कि हम यहाँ पे सेटिंग पे जाकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक डिवाइस और डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंट, बट अगर आप लिंक डिवाइस में क्लिक करते हो तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना डिवाइस स्विच करना चाहते हैं। बट हाँ, आप एंड्रॉयड से अगर आप अपने दूसरे एंड्रॉयड पे स्विच करना चाहते हैं उसके लिए नहीं है ये लिंक डिवाइस, है आपके iOS से एंड्रॉयड पे स्विच करने के लिए या एंड्रॉयड से iOS पे अगर आप ये अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है लिंक डिवाइस। तो आप इसको एंड्रॉयड पे ट्राई मत करिएगा बिकॉज एंड्रॉयड पे आप डायरेक्ट अपना जीमेल चेंज करके दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करके इजीली लॉगिन कर सकते हैं। बट बिकॉज लिंक डिवाइस जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लिंक कोड का ऑप्शन आता है और इंटर लिंक कोड का ऑप्शन आता है। तो आपको iOS पे भी यही चीज़ करनी है, वहाँ पे इंटर लिंक कोड करना है और यहाँ से रिक्वेस्ट लिंक कोड करना है। तो यहाँ पे आपका लिंक कोड आ जाएगा और आप अपने iOS पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये गाइस सिर्फ ओनली iOS टू एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड टू iOS के लिए है। तो एंड्रॉयड पे आप ट्राई मत करना है, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड पे। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि निकल के आ रही है शॉप सेक्शन से। आपको शॉप सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे आप थोड़ी डाउन स्लाइड करोगे तो आपको दिखेगा क्राफ्ट इक्विपमेंट। आप क्राफ्ट इक्विपमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इक्विपमेंट एंड यहाँ पे चांसेस होते हैं अच्छे इक्विपमेंट निकलने के। लाइक अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट मिलते हैं, लाइक मुझे मिल गया ओनी ऑफ नाइट मेरे का एक इक्विपमेंट एंड मैं इसको ओके करता हूँ। और जैसे कि मेरे को मतलब ये इक्विपमेंट पसंद नहीं आया और मैं नई इक्विपमेंट ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे को जाना है गैरिजन पे एंड यहाँ पे आपको आपकी डेक जो दिख रही है इसके नीचे आपको एक बैग दिख रहा होगा छोटा सा, आपको उस बैग में क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सारे इक्विपमेंट दिखते हैं। लाइक जैसा कोई इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे मैं इसको लेवल 1 वाले को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डिसमेंटल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रहा था उस डेक में वो दिख रहा है। मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, इसके बदले में मुझे 5 आयरन मिलते हैं, 75 आयरन मिलते हैं गाइज। लेवल 1 का अगर आप कोई भी इक्विपमेंट डिसमेंटल करते हो तो आपको 75 आयरन मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसमेंटल कर दिया, अब मैं वापस शॉप सेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो 75 आयरन मिल गए मेरे को, जिससे कि मैं 300 आयरन पे एक रेट खोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो आपके काम के इक्विपमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे बैग पे जाना है और यहाँ पे डिसमेंटल कर देना सारे इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि ये वेस्ट है, तो आप वहाँ पे डिसमेंटल कर दो और आपको बहुत सारे आयरन मिलेंगे जिससे कि आप नए नए इक्विपमेंट ओपन कर सकते हो शॉप सेक्शन पे आकर। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ
जो कि निकल के आ रही है डेक्स रिलेटेड। तो लाइक आपकी इतनी सारी यूनिट है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी यूनिट यूज करनी है, आप ढूंढने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा लेवल, दिख रहा होगा राइट में सेंटर राइट पे आपको दिख रहा होगा लेवल, आपको लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे रोल के हिसाब से आपको दिख जाएंगे, लाइक ये मिली के इतने सारी यूनिट होती हैं, रेंज की इतनी सारी यूनिट होती हैं, कैलवरी की इतनी यूनिट होती हैं, स्पीयर की इतनी यूनिट होती हैं, शील्ड्स की इतनी यूनिट होती है, मैजिक की यूनिट होती है, बिल्डिंग की यूनिट होती है और हीलर में एक ही होती है। उसके बाद सीज की आपको दो यूनिट दिखेंगी। उसके बाद नीचे जो दिखता है वो है यूनिट्स टू बी फाउंड, लाइक जो यूनिट आपके पास नहीं है वो यूनिट्स लास्ट में दिखती है। तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, लाइक अभी मैं रोल की जगह यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा तो एमपी यहाँ पे दिखेगा, 1 MP से स्टार्ट होगा तो हाई एमपी की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो एमपी से हाई एमपी की ओर यहाँ पे आपको फिल्टर करके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ट्रूप सिलेक्शन में बहुत आसानी होती है। उसके बाद आप फैक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे रोमन यूनिट्स दिखेंगी सारी, पर्शियन यूनिट यहाँ पे दिख रही है आपको, मतलब यहाँ से आप सही से देख सकते हो और यूनिट फिल्टर कर सकते हो। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, एंड इस पे हमें फिक्शन के बारे में जानना है जो कि है लाइक गार्डियन आपका नॉर्मल फिक्शन का है, लाइक राइट में जो आपको ये फ्लैग दिख रहा है ये इंडिकेट करता है कि कौन से फिक्शन का आपका गार्डियन है। तो ये है नॉर्मल फिक्शन का। तो यहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहे होंगे, दो फ्लैग क्रॉस करते हुए आपको उस फ्लैग में क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल यूनिट का गार्डियन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा, लाइक अगर आप तीन यूनिट, लाइक ये यूनिट हो गई ठीक है जो नीचे आपको ये दिख रही है स्लाइड होती हुई, तो अगर आप नॉर्मल फिक्शन की तीन यूनिट इस्तेमाल करते हो तो आपको डैमेज टेकन रिड्यूस बाय 5%, लाइक आपको जो डैमेज पड़ेगा वो 5% कम पड़ेगा, समझ रहे हो। इसमें गाइस अगर आप 5 यूनिट यूज करते हो नॉर्मल यूनिट की तो यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको मिलता है जो कि है रिकवर HP बाय 1% ऑफ मैक्स HP एवरी 4.5 सेकंड, मतलब जो भी आपके ट्रूप्स हैं उनकी 1% HP रिकवर होती रहेगी हर 4.5 सेकंड पे। एंड अभी लाइक मैं 4 यूज कर रहा हूँ तो ये पावर एक्टिवेट नहीं है, और जैसे मैं अभी डेक चेंज करता हूँ, हाँ इस पे आता हूँ और फिर से फ्लैग में क्लिक करता हूँ तो इस बार मैं 5 यूनिट यूज कर रहा हूँ, लाइक आपको दिख रहा होगा 3 to 5 मैं यहाँ पे पर्शियन यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइक आंगरा पर्शियन फिक्शन का है, पर्शियन फिक्शन का, तो अपन उसकी यूनिट यूज करें 5 पर्शियन की, तो उसके हमें जो पावर एडवांटेज मिल रही वो है लाइक अगर मैं 3 यूज करता हूँ 3 यूनिट तो अटैक स्पीड इंक्रीज बाई 5%, एंड अगर मैं 5वीं यूनिट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ की पावर जो है वो रिड्यूस अटैक स्पीड एंड मोमेंट स्पीड बाई 15% फॉर 4 सेकंड ऑन फर्स्ट अटैक। तो ये दो एडवांटेज मिल रहे हैं मुझे, और ऐसे ही सभी, मतलब जो भी आप गार्डियन यूज करते हो जिस भी यूनिट का है, लाइक नॉर्मल हो गया, रोमन हो गया, जापान हो गया, तो सबकी अपनी अपनी पावर होती है। तो आप अपनी जो भी टेक बनाए उसमें उसी फिक्शन की 5 यूनिट भी रखें ताकि आप इस पावर का भी एडवांटेज ले सकें। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, एंड अगर आप अपने गार्डन के ऊपर आपका जो नाम दिख रहा है उस नाम पे टैप करते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल खुल जाती है, यहाँ पे आपके नाम के नीचे एक #ATAH लिख के आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका कॉपी हो जाता है आपका नेम, और यहाँ पे आप किसी को भी सेंड करके और उनको बोल सकते हो कि वो सर्च करें जाके फ्रेंड लिस्ट में, और वहाँ जाके ऐड कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो आपकी प्रोफाइल दिखती है, लाइक आपका हाईएस्ट स्कोर आज तक का क्या है, बेस्ट सीजन दिख रहा है आपको, उसके बाद इस सीजन का हाईएस्ट कितना है वो दिख रहा होगा, एंड प्रीवियस सीजन का हाईएस्ट कितना है वो भी दिख रहा है, एंड आप यहाँ पे डेक दिखती है और उससे बाकी सारी रिलेटेड चीजें दिखती हैं। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि आती है चैंपियन लीग से रिलेटेड, लाइक अगर आप चैंपियन लीग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें दिखेंगी, लाइक चैंपियन लीग 1, चैंपियन लीग 2, तो जो जब सीजन आपका एंड होता है उस टाइम पे आपका जो लीग गिरती है, लाइक अगर आप डिवाइन लीग 3 पे हो तो आप डिवाइन लीग 2 पे आ जाओगे सीजन चेंज होते ही, टीयर जब रिसेट होते हैं, अगर आप डिवाइन लीग 2 पे हो तो आप डिवाइन लीग 1 पे आ जाओगे, अगर आप डिवाइन लीग 1 पे हो तो आप डिवाइन लीग 3 पे आ जाओगे, और डिवाइन लीग 3 से शायद नीचे पॉइंट्स माइनस नहीं होते, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लीग सीजन के जो रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि सीजन के आखिरी में मिलते हैं, लाइक अगर आप 3900 प्लस गए हो तो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा जो ऊपर चेस्ट दिख रही है सीजन चेस्ट, इसमें क्या है 10% मिथिक का चांस रहता है और बाकी कॉइन्स और इसेंस आपको दिख रहे होंगे, तो ये चेस्ट आपको मिल जाती है अगर आप ये स्कोर अचीव किए हो, उसके बाद भले आप नीचे आ जाते हो स्कोर में, बट अगर आप इस स्कोर को टच करके आए हो 3900 प्लस करके आए हो तो ये सीजन चेस्ट आपको 100% मिलेगा। और ऐसे ही सभी लीग के आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवॉर्ड्स क्या है इस चेस्ट में। तो चलते हैं अगली टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि है गार्डियन समन करना,
तो लाइक अगर आप गार्डियन समन करना चाहते हो तो ये तो आप 2000 जेम्स होने चाहिए आपके पास, और ये तो 300 इसेंस होने चाहिए। इसेंस मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक इसको कहते हैं हम इसेंस, और यहाँ इसको आप डेली अपने चेस्ट से ओपन कर सकते हो। लाइक यहाँ एक तो आपके पास ये आता है रिवॉर्ड लीडर एड्स, आपको यहाँ पे एक एक करके ऐड देखने को मिलेंगी और एक एक रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, आपको 5 ऐड देखने हैं और 5 एक एक करके सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल, यहाँ पे ये तो हम जैसे एक ग्रेट चेस्ट खोलते हैं, यहाँ पे भी हमें 2 इसेंस देखने को मिलते हैं और हर एक चेस्ट में इसेंस मिलते हैं, तो आप लोग जरूर ट्राई करना और यहाँ पे इसेंस कलेक्ट करके आप अपना गार्डियन समन कर सकते हो। तो चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेक्शन मिलेगा, तो अगर आप ट्रेनिंग सेक्शन पे क्लिक करके और फाइट करते हो तो यहाँ पे एक AI के द्वारा आपकी फाइट की जाएगी, मतलब एक बॉट के द्वारा। एंड इसमें अपोनेंट काफी स्ट्रांग होता है और यहाँ पे आपको फाइट करनी है, उसको बीट करना है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो। और यहाँ पे अपोनेंट का लेवल आपसे थोड़ा सा जरूर हाई होगा, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी अपने हाई लेवल वाले अपोनेंट से। तो यहाँ पे आप जब भी चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे पहला ऐसी चीज़ जो हमें एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, एंड आई होप ये 1v1 पे भी एग्जिट का ऑप्शन जरूर आए। एंड उसके बाद हम अपनी अगर डेक शेयर करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लेफ्ट में हमें एक शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे चेकआउट में डेक करके अगर हम यहाँ पे शेयर करते हैं तो हमारे क्लैन पे चली जाती है, यहाँ पे आपको दिखेगी क्लैन पे। एंड आप अपने डेक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के पार्ट 2 के साथ। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट पे जरूर बताएं, एंड और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी रोड टू वेयर एम्पायर से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड लाइक करना शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते गाइस एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।